हम लोग को तकलीफ हुआ आपके पेट्रोल पंप में, अगर उस कंपनी में हम लोग लिख के दे देंगे कि ये पंप में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो पंप का लाइसेंस सीज हो सकता है। हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी सुबह के 7 बज रहा है, घाट चढ़का है धर्मजयगढ़ घाट, तो ये पत्थलगांव आने वाला है आगे। तो ये नया पंप खुला है यहाँ, बहुत खूबसूरत पंप है। थोड़ा यहीं रुके हैं अभी फ्रेश व्रेश होने के लिए, और ये ब्रश व्रश कर लेते हैं, आगे जाएंगे। अभी पत्थलगांव पार करेंगे, पत्थलगांव आने वाला है, जा रहे ब्रश करने, आते हैं ब्रश करके। हेलो दोस्तों, आप लोग बोलते हैं हम लोग फ्रेश होने कहाँ जाते हैं, वो हम लोग के लिए पेट्रोल पंप बना हुआ है। हम लोग गाड़ी वाला पंप पे खड़ा करते हैं, तो यहाँ अभी गर्मी है तो फ्रीजर में पानी रहता है, ठंडा पानी, तो हम ड्राइवर लोग के लिए ही रहता है। टॉयलेट भी बना हुआ है, टॉयलेट भी रहता है हम लोग के लिए। अब रास्ता में कहीं चल रहे हैं, कोई ऐसा बात हो गया, कोई जंगल उंगल चले गए तो बात अलग है, तो लोग पूछते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, तो वही पेट्रोल पंप में हम लोग जाते हैं। तो हम ड्राइवर लोग के लिए ही बना हुआ है, अगर किसी कारण हम लोग को तकलीफ हुआ आपके पेट्रोल पंप में, अगर उस कंपनी में हम लोग लिख के दे देंगे कि ये पंप में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो पंप का लाइसेंस सीज हो सकता है। अगर हम लोग बता दें कि इस पंप में मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, यहाँ पीने का पानी नहीं है, तो टॉयलेट नहीं है, तो इस टाइप का हो सकता है। हम लोग नहीं करते हैं ऐसे, हम लोग के साथ कभी हुआ नहीं। हम लोग के लिए पार्किंग रहेगा, और जगह पर अगर पार्किंग नहीं रहेगा तो भी उसका लाइसेंस नहीं मिलता है। उसको फिर चाहिए कि गाड़ी वाले को सुविधा, पार्किंग होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम, नहाने का, पीने का पानी, सब देखने के बाद ही लोगों को मिलता है। अगर हम लोगों को परेशानी होगा, हम लोग कंप्लेंट कर देंगे तो कंपनी उसका लाइसेंस सीज कर देता है। इसलिए पंप वाला भी ख्याल रखता है हम लोग का, ड्राइवरों का। डीजल ले ना ले उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को रुकने का माने रुकेंगे, यूज करेंगे। तो ये जो पंप है, तो नया पंप है, अभी इधर जंगल भी है, तो अच्छा खुला जगह पर है, तो यहीं पर अभी है। अभी फ्रेश व्रेश हुए हैं, ब्रश व्रश कर लिए, दिखाते हैं आपको कहाँ पानी मिलता है हम लोग। यही हम लोग ठंडा पानी है, पानी पीने का, ये ठंडा पानी। सुबह सुबह बहुत ठंडा है, बाद में यूज होते होते थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, बहुत ठंडा पानी है। ये हवा है, प्रेशर हवा ले सकते हैं, और इसी पेट्रोल पंप में है। अभी हम नहा धोवा सकते हैं, अगर कुछ भी करना हो तो। पेट्रोल पंप नया है अभी, अच्छा है, साफ़ सुथरा खुला जगह पर है। यही है कि अभी यह चाय दुकान नहीं खुला है, वो झोपड़ी बन रहा है एक उधर, वो शायद चाय का दुकान लगाएगा। बहुत अच्छा पंप है ये, देखिए पानी पूरा खुला है, तब जितना ले सकते हैं पानी। हम लोग सफर में रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, जहाँ मर्जी रुक सकते हैं। परेशानी तब होता है किसी फैक्ट्री के अंदर अगर है, तो वहाँ पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलेगा, और कहीं नहाने का वैसा सुविधा नहीं है, है लेकिन वैसा ढंग का नहीं है। रास्ता में है तो कोई परेशानी नहीं है, जहाँ मर्जी हुआ हम लोग सब आइडिया है कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वहीं रुक जाएंगे, वहीं रुकते हैं हम लोग। चले निकलते हैं आगे, अब निकलते हैं। सारा चीज़ तो हो चुका है, फ्रेश वगैरह, ब्रश वगैरह भी हो ही चुका, अब आगे जाकर ढाबा पर देखते हैं। यहाँ चाय तो है नहीं, अभी नया नया है तो चाय दुकान खुला नहीं, तो खोल ही रहा है। जाते हैं आगे चाय पियेंगे किसी ढाबे पे, फिर आगे सफर चलते हैं। अभी यहाँ रुके हैं, तो धूप तो धीरे बढ़ते ही जा रहा है। नाश्ता की दुकान था, चाय पसंद नहीं आया, वहाँ का चाय ढंग का नहीं था। ये थोड़ा नीमकी लिए हैं, ये नीमकी है देखिए, ये चाय खुद गाड़ी में बना लिए, सारा सामान तो रखा ही है। तो अभी चाय पीते हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। धूप बढ़ते जा रहा है, पेड़ देख के रोके थे यहीं पर, तो ये देखिए चाय अपना बन चुका है, गाड़ी में बनाए थे चाय। और ये नीमकी इस पे डाल देते हैं इसे, उसके बाद ये, अब चलते हैं यहाँ से।
दोस्तों आज संडे है, संडे का कुछ ना कुछ तो बनता ही है, हम लोग भी जानते ही है। संडे में आज बन रहा है मटन। सप्ताह में एक दिन कोई कोई जरूरी नहीं है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चलो बात नहीं, तो मिल गया तो बना ले रहे हैं, नहीं मिलता तो नहीं बनता। देखते हैं कैसा बनता है टेस्टदार। ये अभी फ्राई हो रहा है, अब ये प्याज जा रहा है इसमें। ये मटन डाल दिए हैं अभी, इसके साथ में थोड़ा फ्राई होगा, अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये हमारा जा रहा है मटन मसाला। मसाला डल चुका है, थोड़ा नमक उमक डाल के मिलाना पड़ेगा इसको। कढ़ाई में हो जाता अच्छा है, मतलब फ्राई अच्छा होता है, कुकर में तो हो नहीं पाता है ना, इसलिए मसाला वगैरह को उसमें फ्राई करके फिर इसमें कुकर में सीटी मरवा देना है। ये कुकर में डाल दिए अभी, ये स्लो मोशन में लगा दिए हैं गैस को। इससे क्या कि मटन है तो टाइम लगता है, चिकन रहता तो कोई बात नहीं, कढ़ाई में हो जाता है, तो मटन है तो इसके लिए थोड़ा सा सिझाना पड़ता है। कुकर में डाल दिए हैं, कम आँच में चढ़ा दिए हैं, कम से कम 3 सीटी इसको लगवाएंगे तब जाकर ये पक के पूरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा मटन बन चुका है एकदम स्वादिष्ट, ये गाढ़ा तरी वाला, ये देखिए पूरा सीज चुका है। कुकर में 4 सीटी लगवाए, तो ज़रूरी है कढ़ाई में पहले भूनने के बाद कुकर में सीटी मारने का। अब चले निकालते हैं खाने के लिए। खाना बन गया दोस्तों, अब ये थोड़ा लेट हो गया, 3 बज गया खाना बनने में, टाइम लग गया, अब खाना खा कर निकलेंगे यहाँ से। खाना वाना खा के निकल चुके हम लोग, थोड़ा मौसम ठंडा हुआ तो निकले हैं, गर्मी तो बहुत था, जब तक शाम में नहाएंगे नहीं तब तक चैन नहीं आने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरा रोड में गर्दा उड़ रहा है, ऐसे भी शाम में नहाना जरूरी है। किसी ढाबे पर नहाएंगे, इधर तो ऐसा नहर वगैरह है नहीं, कल झारखंड हम लोग घुस जाएंगे, कल झारखंड इन करेंगे, देखते हैं शाम तक कहीं पहुँच के नहाते हैं। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का रोड अभी बन रहा है, बहुत डस्ट उड़ता है, ये गर्मी में ऐसा डस्ट उड़ना सोचिए कितना हालत ख़राब होता होगा। ये देखिए कितना गर्दा, पूरा डस्ट उड़ रहा है, अभी रोड बन रहा है एक तरफ से, गर्दा कुछ ज़्यादा ही है, यही है कि बरसात से पहले बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो बरसात में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, गाड़ी फंसने वाला है, स्लिप करने वाला है, कच्चा मिट्टी है, गर्दा उड़ रहा है, अभी बरसात से पहले बन जाएगा तो अच्छा है। अभी थोड़ा मौसम बिगड़ रहा है गाइस, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, बारिश आने वाला है लग तो रहा है, मौसम देख के लग रहा है बारिश होगा, पर पता नहीं चांस कितना है, होगा तो अच्छा ही रहेगा, बारिश हो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। Get up back, I just wanna make this thing last, but we're running out of time. बहुत हवा चल रहा है, मौसम चेंज हो गया, तूफान आ गया है, अभी कुछ तो चेंजिंग आ गया, अभी सोचे थे शाम में अभी जाकर नहाएंगे ढाबा पे, तो भयानक तूफान आ गया, अभी देखिए कैसा मौसम कर दिया, इतना तूफान के आगे में पेड़ गिर गया, आगे में एक पेड़ गिर गया है, यहाँ से फांका जगह में खड़ा होना ही अच्छा है, पेड़ के पास खड़ा होने से पेड़ गिर जाता है, बारिश भी होगा,
बिजली भी कड़क रहा है, ये देखो बारिश भी आ रहा है। ये रात का खाना हो रहा है, यहीं अभी रोटी बनाए थे, ये पूरा रोटी पड़ा हुआ अभी, और ये दिन में सब्जी बनाए थे मटन, तो वही बचा हुआ है तो वही खा लेते हैं अभी। ये बॉर्डर पे खड़े हैं, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, अब झारखंड लगने वाला है, तो इसलिए यहीं पे खा पी के सोच रहे आराम करेंगे, यहाँ से सुबह चलेंगे। ये झारखंड में एरिया थोड़ा ठीक नहीं है, आज भी थोड़ा गड़बड़ है, जंगल एरिया पड़ता है, ज़्यादा रिक्स लेना भी ठीक नहीं है ना। खा पी के यहीं सोएंगे, फिर सुबह यहाँ से 4 बजे उठेंगे तो कल पम्प में पहुँच जाएंगे, और ये लेना अपना खाता चलता है उधर। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, खा पी के यहीं सोएंगे, कल नया ब्लॉग चालू होगा, कल नया ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक लिए बाय, गुड नाइट दोस्तों। चले दोस्तों, खाना पीना हो चुका, तो बिस्तर भी लग गया, चले सोने। ये मेरा फैन चला, फैन चालू हो गया। चले उस्ताद, सो जा रहे हैं, अब सुबह मिलेंगे नए ब्लॉक में।